आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के मामले में केंद्र सरकार और यूपी सरकार में ठन गई है। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल का साथ देने की अपील की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित कराने के लिए कहा है कि निलंबित आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल के साथ अच्छा व्यवहार हो। कांग्रेस अध्यक्ष ने कानून का राज कायम रखने के लिए अधिकारियों की सुरक्षा पर जोर दिया है। सोनिया ने कहा है कि अधिकारियों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। सोनिया गांधी की चिट्ठी आने के बाद समाजवादी पार्टी आग बबूला है। इसके नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि पहले कांग्रेस खेमका के साथ हुए अन्याय पर सफाई दे। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के मामले में सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, वो मौखिक रूप से भी बोल सकती थी। न्यूज 24 के स्टिंग ऑपरेशन ने आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के मामले में अखिलेश सरकार की झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। जिस दिन आईएएस दुर्गा को सस्पेंड किया गया, कादलपुर में कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं था। 28 जुलाई को जिस कादलपुर गांव में सांप्रदायिक तनाव का हवाला देकर अखिलेश सरकार ने दुर्गा को सस्पेंड किया, उस दिन गांव में कोई तनाव नहीं था। एलआईओ ने खुद न्यूज 24 के कैमरे पर यह कबूल किया है। जी पूछे थे वहाँ को दीवार गिरा दी गई, बिल्कुल आराम से कोई दिक्कत नहीं थी। तो 28 वाली रिपोर्ट 28 को ही चली गई थी उसी दिन रात को। न्यूज 24 के कैमरे पर एलआईओ के बयान से साफ है कि यूपी सरकार खनन माफिया के दबाव में काम कर रही थी और इसी दबाव में दुर्गा को सस्पेंड किया गया। हर एक जिले में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट काम करती है और जिसकी डेली रिपोर्ट सूबे के मुखिया तक जाती है और सरकार इसी आधार पर फैसले भी तय करती है। लेकिन जरा सुनिए कि रिपोर्ट भेजने वाले अफसर ने कैसी रिपोर्ट भेजी थी। अट्ठाईस जुलाई को उस गांव में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं था और ना ही ऐसा कोई माहौल था। एलआईओ ने न्यूज 24 के खुफिया कैमरे पर ये कबूला। कहीं बता दो कहीं हिंदू मुस्लिम हो, यहाँ पे एक केक टीचर लगा पड़ा है हिंदू जाना है, वो गांव 80% थी। दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को लेकर मुलायम सिंह यादव के परिवार में भी एक राय नहीं है। एसपी के महासचिव और मुलायम सिंह यादव के परिवार के सदस्य राम गोपाल यादव ने कहा कि जांच के बाद ही दुर्गा का निलंबन होना चाहिए था। हालांकि इससे पहले मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव ने दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को एकदम सही ठहराया था। अखिलेश और मुलायम भी निलंबन के समर्थन में थे। वहीं यूपी सरकार दुर्गा शक्ति नागपाल पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर रही है। यूपी के खदान मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने एक 5 सदस्य कमेटी गठित की है जो इस मामले में जांच रिपोर्ट देगी। ये कमेटी दुर्गा शक्ति नागपाल के एक्शन की जांच करेगी। दुर्गा शक्ति पर एक धार्मिक स्थल की दीवार गिराने का आरोप है। 2 दिनों में ये कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट देगी। समाज सेवी और आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने महिला आयोग में समाजवादी पार्टी के नेता नरेंद्र भाटी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। भाटी ने दुर्गा शक्ति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। पूर्व समाजवादी नेता शाहिद सिद्दीकी ने भी सोनिया गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल से ठीक तरह से बर्ताव नहीं किया गया। बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि सोनिया गांधी के पत्र का कोई मतलब नहीं क्योंकि केंद्र में तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ है। लेफ्ट पार्टियों ने भी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के मुद्दे पर अखिलेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीपीएम नेता वृंदा खरात ने साफ कहा है कि अखिलेश सरकार रेत माफियाओं से मिली हुई है। जाने माने वकील राम जेठमलानी ने दुर्गा शक्ति नागपाल को ईमानदार अफसर बताते हुए कहा कि उन्हें ऐसा बहादुर आईएएस अफसर पर गर्व है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले समाजसेवी अन्ना हजारे ने कहा है कि निलंबित एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने एकदम ठीक काम किया है। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई से दुर्गा को पीछे नहीं हटना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुर्गा शक्ति नागपाल ने रेत माफिया के 300 से ज्यादा ट्रकों को जब्त करवा दिया था और इसमें उनके साथ थे माइनिंग अधिकारी आशीष कुमार, जिनसे न्यूज 24 ने खास बातचीत की। आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन से पहले नोएडा में तैनात माइनिंग अधिकारी आशीष कुमार का ट्रांसफर 15 जुलाई को बुलंदशहर में कर लिया गया था। माइनिंग अधिकारी आशीष कुमार ने 1500 से 2000 अवैध गाड़ियां जब्त की थी। रेत माफियाओं ने माइनिंग अधिकारी आशीष पर हमला भी किया था।
आशीष कुमार का निलंबन दुर्गा शक्ति नागपाल के लिए संकेत था, लेकिन इसके बावजूद भी रेत माफिया के खिलाफ दुर्गा शक्ति की कार्रवाई नहीं रुकी। लखनऊ में निलंबित आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल के समर्थन में कैंडल लाइट मार्च का आयोजन किया गया। लोगों ने दुर्गा शक्ति को इंसाफ दिए जाने की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को मुंबई के क्राइम ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कल शाम को बीमार गृह मंत्री शिंदे को उनके परिवार ने अस्पताल में दाखिल करवाया। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के फेफड़ों में बीमारी की शिकायत है। महाराष्ट्र की सियासत से केंद्र तक का सफर तय करने वाले सुशील कुमार शिंदे की उम्र 71 साल है। मुंबई मिरर अखबार के हवाले से खबर है कि केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे की सर्जरी आज ही हो सकती है। डॉक्टर आर के देशपांडे और डॉक्टर ए जॉग शिंदे की सर्जरी कर सकते हैं। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे की सेहत पर डॉक्टर्स की नजर लगातार बनी हुई है। गृहमंत्री की बेटी प्रणीति शिंदे और उनके दामाद राज श्रॉफ ब्रीच कैंडी अस्पताल में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे की तबीयत अचानक बिगड़ी। शनिवार की शाम को ही शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और उनके मुख्य सचिव समेत कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की थी। संसद के मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विपक्षी दलों से कहा है कि वो खाद्य सुरक्षा विधेयक समेत कई अहम बिलों को पास करवाने में सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पिछले 2-3 सत्रों में काफी समय बर्बाद होने पर अफसोस भी जताया है। पीएम ने मानसून सत्र के लिए विपक्ष से सहयोग की अपील की है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विपक्षी पार्टियों से वादा किया है कि वो सभी मुद्दों पर विपक्ष से चर्चा करने के लिए तैयार है। बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि पीएम का बयान संतोषजनक नहीं है। सत्ता पक्ष विपक्ष के नेताओं को बोलने का मौका भी नहीं देते। बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि सत्ता पक्ष के नेताओं ने नेता विपक्ष सुषमा स्वराज के आधे घंटे के भाषण में भी 60 बार टोका टोकी की। इससे ये साबित होता है कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। गैर तेलंगाना के कांग्रेस विधायकों से मीटिंग में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि वो लोकतांत्रिक तरीके का पालन करें और विधानसभा सत्र में अपनी राय दें। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि इस्तीफे देने से कोई हल नहीं निकलने वाला। वो आंध्र प्रदेश के विधानसभा सत्र में अपनी बात रखें ताकि विरोध या समर्थन रिकॉर्ड में दर्ज हो सके। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना संकट बढ़ता जा रहा है। अब तक 75 विधायक और 5 मंत्री अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं, जिससे संकट घेरा गया है। करीब 5.5 घंटे चली मीटिंग के बावजूद भी कांग्रेस के इस्तीफा देने वाले विधायक मानने को तैयार नहीं हुए। विधायकों ने इस्तीफा वापस लेने से इनकार किया। कांग्रेस के इस्तीफा देने वाले विधायकों ने मांग की है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बोत्स नारायण भी पद से इस्तीफा दें। बीजेपी की प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि तेलंगाना का गठन लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का चुनावी हथकंडा है, लेकिन इससे कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होने वाला। बीजेपी की प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि राज्यों की उचित एवं अनुचित मांगों पर गैर गौर करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस ने राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून से बाहर रखने के सरकार के कदम का विरोध किया है। ममता बनर्जी ने केंद्रीय सूचना आयोग के कदम की तारीफ की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस दूसरों को आरटीआई का इस्तेमाल करने की सलाह दे रही है, लेकिन खुद इसे नहीं अपना रही। समाजवादी पार्टी भी सीबीआई को स्वायत्तता देने के पक्ष में नहीं है। एसपी नेता नरेश अग्रवाल के मुताबिक सीबीआई की ताकत न बढ़ाने का केंद्र का फैसला एकदम सही है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि पाकिस्तान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ममनून हुसैन के मन में अपनी जन्मस्थली आगरा के प्रति अगर वाकई मोहब्बत है तो उन्हें भारत के लोगों के दर्द को समझना चाहिए। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि पाकिस्तानी राष्ट्रपति ममनून हुसैन को भारत की जनता के मन में मौजूद पाकिस्तान के खिलाफ नफरत की वजह समझनी चाहिए। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी मुंबई के अदिति होटल गए। पिछले महीने अपने बिल पर सरकार विरोधी टिप्पणी करने के कारण युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अदिति होटल बंद करा दिया था। हरियाणा सरकार ने कहा कि राज्य के शहरी इलाकों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को 1,00,000 मकान मुहैया करवाए जाएंगे। सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार आर चिदम्बरम ने कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के सभी सुरक्षा मापदंडों की जांच पड़ताल के बाद कहा कि कुडनकुलम संयंत्र पूरी तरह सुरक्षित है। मुंबई में इसकी खरीदारी के लिए
कम पैसे मिले तो महिला ने दो बच्चों को पानी की टब में डुबोकर मार डाला और खुद भी पंखे से लटक कर अपनी जान दे ली। मुंबई में 35 साल की सविता अली ने शाम 6 बजे अपने दो बच्चों, 2 महीने की नुरेन और 3 साल की अलीना को बाथरूम की टब में डुबोकर मार डाला और फिर खुदकुशी कर ली। महिला का तीसरा बच्चा ट्यूशन पढ़ने गया था। सविता की दोस्त ने बताया कि सविता के पति आसिफ उसे ईद की खरीदारी के लिए 5,000 रुपए दिए थे, जिससे सविता काफी नाराज थी। इसे मामूली बात पर कहा सुनने के बाद सविता ने दो बेटियों को मारकर सुसाइड किया। मुंबई में रात के वक्त बाइक स्टंट पर लगाम लगाने के लिए करीब 26 इलाकों में ट्रैफिक पुलिस और सिटी पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। अब तक रैश ड्राइविंग पर सिर्फ मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई होती थी, लेकिन अब मुंबई पुलिस आईपीसी की धारा 279 के तहत कार्रवाई कर रही है, जिसमें दोषी साबित होने पर 6 महीने की जेल भी हो सकती है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में 100 साल पुरानी इमारत अचानक जल गई। बीएम शाह नाम की इस इमारत में कई दफ्तर और गोदाम थे। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। 100 साल पुरानी इस इमारत में चौथी मंजिल बनाने का काम अवैध तरीके से चल रहा था, जिसके चलते इमारत में दरार आ गई। शाम के वक्त एनसीडी को इस बारे में जानकारी भी दी गई थी, लेकिन कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। महाराष्ट्र के जनपुर में बाढ़ से हालात काफी खराब हो गए हैं। कई दिनों से इलाके में बाढ़ का पानी भरा हुआ है, घरों के अंदर तक पानी घुस चुका है। कुछ दिनों पहले यहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने दौरा कर मदद के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन अब भी लोग प्रशासन की मदद के इंतजार में हैं। असम के दीपू में भी अलग राज्य की मांग को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें रोक दी, जिसके बाद रेल सेवा बाधित हो गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हंदवाड़ा में आतंकियों और पुलिस की मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने आतंकी को ढेर कर दिया। एक जवान के भी शहीद होने की खबर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन सीमी के एक कैडर अब्दुल सत्तार को पकड़ लिया है। उसे केरल में साल 2010 में सीमी कैडरों को गैर कानूनी ढंग से प्रशिक्षण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अचानक हजारों की संख्या में मुर्गियों की मौत होने से बर्ड फ्लू की आशंका पैदा हो गई है। प्रशासन ने राज्य भर में अलर्ट जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग, बस्तर, बेमेतरा और रायपुर समेत कई जिलों में हजारों मुर्गियों के मरने की खबर है। प्रशासन की देखरेख में सावधानी से मरी हुई मुर्गियों को दफनाया जा रहा है। झारखंड के हजारीबाग जिले में इचाक पुलिस थाना क्षेत्र में 3 युवकों ने 3 लड़कियों को अगवा कर उनके साथ बलात्कार किया। लड़कियां स्कूल से घर लौट रही थी। नागपुर की जिला पंचायत में कुर्सी पत्नी की है, लेकिन रसूख पति का है। नागपुर देहात में जिला पंचायत अध्यक्ष उर्मिला यादव हमेशा दफ्तर से नदारत रहती है। उनकी जगह उनके पति राम सिंह यादव भी दफ्तर संभालते हैं। नागपुर जिले का पूरा निजाम उर्मिला यादव के पति राम सिंह यादव के इशारे पर नाचता है। जिला पंचायत अध्यक्ष के पति राम सिंह यादव जिस गाड़ी से चलते हैं उस पर भी लाल बत्ती और हूटर लगा है। कन्नड़ फिल्म की अभिनेत्री रमैया के पिता की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई है। रमैया के पिता माइंडिया लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। पिता की मौत के बाद कांग्रेस कन्नड़ फिल्म की अभिनेत्री रमैया को ही मांड्या संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार घोषित कर सकती है। बेस्ट कमेटी के चेयरमैन नाना अंबोली ने फ्रीडम फाइटर सुमति सामंत के घर पर जाकर उनसे माफी मांगी। दरअसल एक बस कंडक्टर ने उनसे बदसलूकी की थी। रेलवे स्टेशन पर मुंबई जा रही राजधानी एक्सप्रेस में तस्करी के जरिए ले जा रही करोड़ों की चांदी क्राइम ब्रांच ने जब्त की। क्राइम ब्रांच ने नई दिल्ली स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 3 पर खड़ी मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में छापा मारकर 17 पार्सल के बंडल कब्जे में लिए, जिसका वजन लगभग 8 से 10 क्विंटल बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इनकम टैक्स ऑफिसर बन करोड़ों का चूना लगाने वाले 6 लोगों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। स्पेशल 26 फिल्म की कहानी के हीरो की तरह ये लोगों को चूना लगाते थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इनकम टैक्स अधिकारी बनकर लोगों को ठगने वाले इन बदमाशों के पास से 1,41,00,000 रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस ने आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। पटना की महारानी कॉलोनी से पुलिस ने कथित साइको किलर को उसके 3 अन्य सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अमित ने मोइन खान उर्फ पप्पू खान नामक एक व्यक्ति को अंधाधुंध 32 गोलियां मारी थी। घोटाले के दागी सुरेश कलमाड़ी का किसी भी खेल संस्था से संबंध अब खत्म हो गया है। कलमाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ की परिषद की सदस्यता भी गवा दी है। अब उनकी IAAF परिषद की सदस्यता भी चली गई।
अलमारी को इस महीने की शुरुआत में पुणे में एशियाई एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव में कतर के दहलान अल हमाद ने हराया था।